चलिए बच्चों, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौर आज आपके लिए मैं सामान्य हिंदी का टॉपिक लेकर आया हूं। और सामान्य हिंदी में हमारे जो टॉपिक होंगे वो होंगे वर्णमाला का निर्माण किस किस से मिलने से होता है, दूसरा पॉइंट टॉपिक अक्षर वर्ण क्या है, अक्षर क्या है इनकी परिभाषा बताऊंगा मैं आप लोगों को, तीसरा शब्द क्या है, पदबंध क्या है, उपवाक्य क्या है, अनुनासिक क्या है और अंतस्थ व्यंजन क्या है, इन सब पे आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ये हमारा पता होना चाहिए अगर हम हिंदी पढ़ रहे हैं या सामान्य हिंदी से क्वेश्चन यहां से बनते हैं एग्जाम में बार बार, कि इनकी परिभाषा भी दे सकता है, शब्द किसे कहते हैं, कौन सा शब्द है, किस कौन सा शब्द नहीं हो सकता, कौन सा वाक्य है, कौन सा वाक्य नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमें जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक को लेकर। देखिए, वर्णमाला का जो निर्माण होता है या पूर्ण वाक्य का निर्माण जो होता है वो किस किस से मिलने से होता है, वर्ण वर्ण अक्षर शब्द पदबंध उपवाक्य वाक्य, ये सब मिलकर पूर्ण वाक्य का निर्माण करते हैं और पूर्ण वाक्य को ही वर्णमाला कहा जाता है। क्लियर? तो अगर क्वेश्चन आया पूर्ण वाक्य का कौन सा भाग है कौन सा नहीं है, तो वर्ण अक्षर शब्द पदबंध उपवाक्य वाक्य ये सब पूर्ण वाक्य है और पूर्ण वाक्य वर्णमाला है। क्लियर? याद रखिए। दूसरा, वर्ण क्या है, अब इसकी परिभाषा देखिए आप, वर्ण क्या है, जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते। क्या बताया मैंने आपको, जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते या जिसके दो हिस्से नहीं कर सकते, जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते या जिसके दो हिस्से नहीं कर सकते उसी को वर्ण कहते हैं। ठीक है? जैसे ए को इससे ज्यादा हम तोड़ सकते हैं हम लोग, क च व ई ख आदि, ये वर्ण है। ठीक है? तो अब याद रखना, जिसे हम तोड़ नहीं सकते या जिसके दो हिस्से हम नहीं कर सकते वह वर्ण होगा, जैसे क ख च ग आदि। नेक्स्ट नोट, वर्ण एक क्वेश्चन आता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो भाषा की सबसे जो छोटी इकाई है वो है आपका वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। दूसरा, इसके खंड नहीं किए जा सकते, मतलब जो वर्ण है इसे तोड़ा नहीं जा सकता या इसे अलग अलग नहीं किया जा सकता। क्लियर? तीसरा पॉइंट है हमारा, इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। अखंड का मतलब होता है जिसे हम तोड़ नहीं सकते, तो इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है। क्लियर है यहां तक के पॉइंट आप लोगों को? नेक्स्ट पॉइंट है नॉट है, हिंदी वर्णमाला के रचयिता, अगर क्वेश्चन आ जाए हिंदी वर्णमाला का कौन रचयिता है कौन नहीं है, किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो हिंदी वर्णमाला के रचयिता प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, भीष्म साहनी, सुमित्रानंदन पंत, ये सब बहुत ही बेहतरीन लेखक थे। क्लियर है यहां तक के पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अक्षर, दूसरा टॉपिक है इसमें अक्षर। अक्षर की परिभाषा क्या है देखिए, वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिनका उच्चारण वह ध्वनि या ध्वनि समूह, क्या तो ध्वनि हो या ध्वनि ग्रुप में हो, जिनका उच्चारण एक सांस में हो जाता है, वह वर्ण या ध्वनि समूह जिनका उच्चारण एक श्वास में हो जाता है अक्षर कहलाते हैं। क्लियर? जैसे ए आ क ख ग आदि। तो अब इसकी परिभाषा आपको याद रखनी है, वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिनका उच्चारण
एक सांस में हो जाता है, अक्सर कहलाता है, जैसे ए आ क ख ग प। इसका नोट है, जैसे देखो नोट है आपका, अक्षर या वर्ण उस छोटी से छोटी ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े ना किए जा सके। मतलब अक्षर उसे कहते हैं जिसके और टुकड़े ना किए जा सके। क्लियर? जैसे ये है आपका क, अगर हम इसकी संधि करें क प्लस अ हो जाएगा, तो संधि करने के बाद इससे ज्यादा तो टुकड़े नहीं हो सकते, ना तो का और टुकड़ा हो सकता ना अ का और टुकड़ा हो सकता, तो ये आपका अक्षर में शामिल होता है। ठीक है, नोट। सार्थक अक्षर या वर्ण समूह, सार्थक अक्षर या वर्ण समूह शब्द कहलाता है, सार्थक अक्षर या वर्ण समूह शब्द कहलाता है। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट है हमारा, शब्द क्या है। शब्द क्वेश्चन आता है, शब्द क्या है। दो अक्षरों से मिलकर, याद रखना दो अक्षरों से मिलकर जिसका निर्माण होता है उसी को हम शब्द कहते हैं। तो शब्द क्या है, परिभाषा, दो अक्षरों से मिलकर जिसका निर्माण होता है उसी को हम शब्द कहते हैं। जैसे चल, हम, सब, ना, जा, घर, पर, सर आदि। तो याद रखना, शब्द उसे कहते हैं जिसका निर्माण दो अक्षरों के मिलने से होता है, वही शब्द है। जैसे हम, सब, चल, घर आदि। क्लियर यहां तक के पॉइंट? आइए चौथा पॉइंट है हमारा, पदबंध क्या है। तो पदबंध क्या है, जहां शब्द के साथ साथ कारक, आप याद रखना, जहां शब्द के साथ कारक का प्रयोग होता है, जैसे मैंने कहा उस लड़की का, उस लड़के के, उन लड़कों में, तो में के का की, जिन पदवर या शब्दों के साथ इन चीज का प्रयोग होगा उनमें कारक का प्रयोग होगा और कारक के बिना पदबंध का निर्माण नहीं हो सकता। जैसे देखो मौसम में, तो इसमें मौसम में जो है में कारक है, मौसम का, इसमें का कारक है का, मौसम की, इसमें आपका की कारक है, तो मौसम में का की, ये सब पदबंध के साथ मिलकर बोलते हैं और बोले जाते हैं, और पदबंध शब्द के साथ साथ पदबंध में कारक का भी प्रयोग किया जाता है। क्लियर है यहां तक के पॉइंट? तो अब याद रखना, पदबंध उसे कहते हैं जहां शब्द के साथ साथ कारक का भी प्रयोग होता है और इसका निर्माण होता है। जैसे मौसम में कारक हो गया, मौसम का कारक हो गया, मौसम की कारक हो गया। ठीक है, तो इसे याद रखिए। अब आगे देखो, इसके बाद हमारा ये है उपवाक्य। उपवाक्य की परिभाषा क्या है देखते हैं। ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, उपवाक्य उसे कहते हैं ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो एक वाक्य का भाग हो, एक वाक्य का भाग हो, और जिसमें उद्देश्य और विधेय हो। एक वाक्य का भाग हो, उद्देश्य भी हो और विधेय भी हो, उपवाक्य कहलाता है। क्लियर? अब याद रखना, उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, यह भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य
और क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसके बाद नॉट है, उपवाक्य में हमेशा, इसमें मतलब उपवाक्य में दो वाक्य बने होते हैं, कम से कम दो वाक्य जरूर बने होंगे इसमें, एक प्रथम उपवाक्य एक सेकंड उपवाक्य। जैसे मैं आपको कहूं मेरे आने से पहले संस्थान से छात्र जा चुके थे, तो मेरे आने से पहले प्रथम उपवाक्य हो गया और संस्थान या कैंपस से छात्र जा चुके थे, तो जो जा चुके थे वो सेकंड उपवाक्य हो गया। जैसे मैंने आपको फर्स्ट उपवाक्य, जैसे मैंने आपको बताया उसके आने से पहले, तो ये आपका हो गया प्रथम उपवाक्य, उसके आने से पहले प्रथम उपवाक्य हो गया, गाड़ी जा चुकी थी ये हो गया आपका सेकंड उपवाक्य। क्लियर है? तो उपवाक्य में हमेशा दो उपवाक्य बने होते हैं, प्रथम उपवाक्य और सेकंड उपवाक्य। क्लियर है यहां तक के पॉइंट? इसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा अनुनासिक के। क्वेश्चन ये आता है अनुनासिक के क्या है या अनुनासिक के किसे कहते हैं, तो आप देखना प्रत्येक वर्ग का मतलब ये है, जैसे क वाला वर्ग है, त वाला वर्ग है, च वाला वर्ग है, ये प्रत्येक वर्ग के पांचवे वर्ण याद रखना। जैसे मैंने आपको बताया क ख ग घ ड, तो ड पांचवा वर्ण हो गया इसमें। क्लियर? के उच्चारण के साथ साथ नाम का भी प्रयोग होता है। जैसे मतलब यह है प्रत्येक वर्ग का, वर्णमाला में जो प्रत्येक वर्ग है उसका जो पांचवा वर्ण है, जब हम उसे बोलेंगे उसे बोलने के साथ साथ हमारे नाक का प्रयोग होगा, नाक से आवाज ध्वनि निकलती है। जैसे मैंने आपको बताया ड, तो आप एक बार फील करके देखे ड बोलते हैं, वैसे तो अगर फील लग रहे तो फिर तो किसी भी चीज की आवाज या ध्वनि हमें ताल्लुक ही नहीं रख सकता कि हम फील कर ले किसी चीज को। कुछ छात्र ऐसे होते हैं हमारी क्लास में भी, कहते हैं कि सर ये फील तो हो ही नहीं रहा। अरे भाई फील कहां से होगा, आप ये तो बताओ, जब आप किसी चीज को फील करेंगे, फीलिंग लाएंगे अपने अंदर कि हाँ ऐसा है नहीं, जो हमारा कॉन्सेप्ट है उस चीज पे ये फिट बैठता है नहीं, तो देखो ड, ड की आवाज नाक से निकलती है, अण, अण नाक से निकलती है, आइए, आइए की नाक से निकलती है, एकदम इस तरह होता है जैसे छींक आ रही हो। आप बोल के देखिए एक बार, म, म की आवाज नाक से निकलती है, अज्ञ आदि, तो ये आपके अनुनासिक के वर्ण हैं। आप इतना ध्यान रखना, अगर कुछ भी एग्जाम में ध्यान ना रहे, प्रत्येक वर्णमाला का पांचवा जो वर्ण होगा वो आपका अनुनासिक के होगा। क्लियर है? कुछ भी चाहे आप ना रहे, उन्हें बोलते समय नाक से आवाज निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ क्वेश्चन आता है, निम्न में अंतस्थ व्यंजन है नहीं है, कौन सा है कौन सा नहीं है। वे व्यंजन जो स्वर और व्यंजनों के बीच का व्यंजन हो, मतलब स्वर और व्यंजन दोनों के बीच का जो व्यंजन होगा वो आपका अंतस्थ व्यंजन होगा, और इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। जो अंतस्थ व्यंजन है इन्हें ही अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ये देखो, ये मैंने चिन्ह दे दिया आपको ताकि आपके याद रहे, अंतस्थ व्यंजनों को ही अर्ध स्वर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण जब हम इन्हें बोलेंगे, अंतस्थ व्यंजनों को जीभ, तालु, दंत और ओष्ठ, जीभ, तालु, दंत और ओष्ठ के सटने से होता है। सटने मतलब फरकने से, जब हम इन्हें बोलते हैं तो इन्हें बोलते समय हमारी जीभ और तालु फरकते हैं लेकिन एक दूसरे को अटैच नहीं करेंगे, वह अंतस्थ व्यंजन होगा। सटने से होता है लेकिन ये किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करते, आप याद रखना
अंतस्थ व्यंजन वो है जब हम इन्हें बोलते हैं तो हमारी जीभ, तालु, दंत, ओष्ठ ये फरकेंगे, हमें लगेगा कि हम बोल रहे हैं लेकिन एक दूसरे से अटैच नहीं होंगे, वही आपके अंतस्थ व्यंजन है। जैसे अंतस्थ व्यंजन य, आप देखो एक बार फिलिंग करके य, मैं बोल रहे हूं देखो आप य, र, ल, व, तो अटैच नहीं हो रहा ना होंठ हमारा एक दूसरे से, तो यही आपके अंतस्थ व्यंजन। तो आज की क्लास में हमने जो टॉपिक कवर करे हैं, एक तो वर्णमाला किस किस से मिलकर वर्णमाला पूर्ण वाक्य का निर्माण होता है, एक वर्ण क्या है ये जाना हमने, अक्षर क्या है ये जाना हमने, शब्द क्या है ये जाना, पदबंध क्या है ये जाना, उपवाक्य क्या है ये जाना, अनुनासिक क्या है और अंतस्थ क्या है। ये टॉपिक आज हम आज की हिंदी की जो क्लास है इसमें हमने ये कवर किया है। बाकी इसके बाद भी अगर आपको इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद भी कोई समस्या रह जाती है तो आप बिना किसी टेंशन के अपनी उस समस्या का समाधान करने के लिए हमें व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करें या हमारे जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें कॉल करें या फिर जो हमारा यूट्यूब का वो है उसमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया, या कोई भी आपकी जो समस्या है और हम उसे के समाधान करने के लिए आपकी सेवा में 24 आवर तत्पर है और हमारी पूरी टीम और हमारा विनय इस कैंपस आपकी सेवा के लिए 24 घंटे कार्य कर रहा है ताकि हमारे जो आगामी एग्जाम है उन्हें और बेहतर कैसे बनाया जा सके और उनमें हम कम समय में अधिक सफलता कैसे प्राप्त कर सके। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप मेहनत के साथ अपनी तैयारी करें। ओके।